तो स्टूडेंट जो स्टोमेटा हैं ये अपर एंड लोअर सरफेस पे लीफ में होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो इसमें वन पेयर गार्ड सेल होती है, इनको हम लोग हिंदी में द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं इन्हीं के स्वेल और श्रिंक यानी कि फूलने और पिचकने पे जो इसके बीच का ये प्लेस है, यहाँ पर एक पोर जो है वो ओपन और क्लोज होता है। तो इसी पोर के ओपन और क्लोज होने से जो वाटर है उसका वेपोराइजेशन होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, ये जो गार्ड सेल्स होती हैं वो कॉमन सेल्स की तरह होती हैं, जिसमें न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अगर हम गार्ड सेल्स की बात करते हैं तो इनके सपोर्टिंग में सराउंडिंग कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको मीसोफिल सेल्स कहते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं मध्योतक कोशिकाएं या फिर सहायक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया है उसमें क्या होती हैं, यूज़ होती हैं या हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरह से अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो ये जो स्टोमेटा है इसको हम लोग एप्पल टाइप स्टोमेटा कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो एप्पल की तरह शो होता है। और ये आम तौर पर जितने भी डाइकोटिलेडन प्लांट हैं उनमें मैक्सिमम प्लांट में ये प्रेजेंट होता है। समझ गए, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि लगभग 95% जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका स्ट्रक्चर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सेपरेट रूट से भी पूछा जाता है, और इसकी जो मैकेनिज्म है खुलने और बंद होने की उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो जैसा कि आपको हमने बताया कि स्टोमेटा जो होते हैं वो वन पेयर, ठीक है, गार्ड सेल से बने होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक, अगर हम गार्ड सेल्स की बात करते हैं तो इनमें एक इस विशेषता होती है कि इनकी जो इनर वॉल है, ठीक है, ये क्या होती है, थिक होती है यानी कि मोटी होती है। जो इसकी आंतरिक भित्ति होती है वो मोटी होती है, जबकि बाहरी भित्ति जो होती है आउटर वो कैसी होती है, थिन होती है यानी कि पतली होती है। समझ गए, इसके इनसाइड जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन ऑर्गेनेल्स में जो सबसे मेन होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। बीच में आपको बताया था हमने स्टोमेटल पोर कहलाता है, जो कि आवश्यकता के अनुसार या टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ओपन और क्लोज होता रहता है। सराउंडिंग में इसकी कौन सी होती है, मीसोफिल सेल यानी कि पर्णमध्योतक कोशिकाएं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका इंडिविजुअली भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने की। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो को आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन में खुलते हैं और नाइट में ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। दिन के समय में स्टोमेटा क्या होते हैं, खुलते हैं, और रात में क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। इनका खुलना और बंद होना डिपेंड करता है किस पर, ऑस्मोसिस पर। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि ऑस्मोसिस में जो वाटर है या वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं। यानी कि जिस तरफ, जिस मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन जो आपका सॉल्वेंट हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, उधर से वाटर किधर जाता है, हायर की तरफ। समझ गए, बात समझ में आई। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दिन के समय, तो दिन के समय में जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या होता है, फूड प्रोडक्शन में यूज़ होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड फूड प्रोडक्शन में यूज़ होती है, साथ ही बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ऐसी कंडीशन में जो गार्ड सेल है उसमें ग्लूकोज का जो परसेंटेज है, जो सांद्रण है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो मीसोफिल सेल से क्या होता है, अधिक हो जाता है।
अब सीधी सी बात है कि जब गार्ड सेल में ग्लूकोज का परसेंटेज ज़्यादा है और मीसोफिल सेल में कम है, तो ऐसी कंडीशन में जो मीसोफिल सेल का जो वाटर है वो इंडो ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होता है, गार्ड सेल में एंटर करने लगता है। इट मीन्स जो वाटर है उसका मूवमेंट मीसोफिल सेल से किसमें, गार्ड सेल्स में होने लगता है। अब सीधी सी बात है कि जब वाटर एंटर करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, गार्ड सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल होने लगती हैं। और चूंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो इनर वॉल है वो थिक होती है और आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है, तो इसलिए जो वाटर का प्रेशर है वो थिक वॉल पर ठीक कम लगता है और थिन वॉल पर ज़्यादा लगता है। तो ऐसी कंडीशन से ये वाली जो वॉल है वो इस तरफ स्वेल होती है और ये वाली जो वॉल है वो इस तरफ स्वेल होती है। तो ऐसा होने पे जो बीच की ठीक थिक वॉल हैं वो एक पोर के रूप में क्या होती हैं, ओपन हो जाती हैं। तो इस तरह से जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कि मैकेनिज्म है, जो उसकी क्रियाविधि है, वो डिपेंड करती है किस पर, ऑस्मोसिस पर, यानी कि परासरण पर। ठीक। अब देखो नाइट में, रात में क्या होगा, रात में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं, नाइट में होता है रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन की क्रिया में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। अब CO2 को प्रोड्यूस करने पे, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज का जितना भी परसेंटेज गार्ड सेल में था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। तो इस कंडीशन में जो ग्लूकोज का परसेंटेज है वो गार्ड सेल में धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसी कंडीशन में जब ग्लूकोज गार्ड सेल में कम हो जाता है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो वाटर जो है वो अब एक्सो ऑस्मोसिस के थ्रू कहाँ आ जाता है, मीसोफिल सेल में। और ऐसा होने पे जो गार्ड सेल में वाटर का प्रेशर था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगी, ये जो थिक वाल है वो आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। और ऐसी कंडीशन में स्टोमेटा का जो पोर है वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये दिन के समय में वाटर का जो ठीक ट्रांसफ़र है बाय द ऑस्मोसिस, ठीक है, ये इसके कंडीशन में जो स्टोमेटल पोर होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। क्लियर। तो इस तरह से अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो उसमें जो मैकेनिज्म है उसमें आप दो तीन चीज़ें ध्यान रखो। नंबर एक, स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, रात में बंद होते हैं, ठीक। नंबर टू, जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया है वो ऑस्मोसिस पर डिपेंड करती है। और नंबर तीन, जो स्टोमेटा है ठीक है वो लीफ की अपर और लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो केवल अपर सरफेस पे शो करती हैं, जैसे द्विबीजपत्री पादप यानी कि डाइकोटिलेडन प्लांट। और कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनकी दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं, यानी कि मोनोकोटिलेडन प्लांट या एक बीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री में आपके चना है, सेम है, सरसों है, ये सब आते हैं। और एक बीजपत्री में कौन कौन आता है, जैसे गेहूँ, मक्का, जई, ये सब आते हैं। समझ गए, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिर हम लोग लास्ट पॉइंट पे देखते हैं, डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। अगर मान लो हमको ऑस्मोसिस को सिद्ध करना हो, ऑस्मोसिस को हमको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो करना हो कि प्लांट का जो एरियल पार्ट है वो वेपोराइजेशन करता है, तो उसके लिए देखो एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम लोग बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये बेल जार एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसमें देखो हम करते क्या है कि जो प्लांट है उसकी जो सॉयल एरिया है ठीक, उसको हम लोग एक ब्लैक पेपर से, ये जो हमने बाहर की तरफ ये किया है, ये आपका क्या होता है, ब्लैक पेपर, उससे हम लोग इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो प्लांट है इसके ऊपर एक कांच का बेलजार जो होता है उसको कवर्ड कर देते हैं, यानी कि ढक देते हैं। ये इसका पूरा पार्ट एरियल पार्ट हो गया, जिसमें लीव्स आएंगी, ब्रांचेज आएंगी, स्टेम आएगा, ये सब इसके पार्ट हो जाते हैं। अब कुछ समय के लिए हम इसको ओपन प्लेस पर रख देते हैं, और जब कुछ समय के बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या देखते हैं कि बेलजार की जो ऊपरी सरफेस है उसमें बहुत सारी पानी की बूंदें
दिखाई देती हैं जो कि वाष्प के रूप में शो होती है। तो ये जो बूंदें हैं वो कहाँ से आई? इससे ये सिद्ध होता है कि जो प्लांट का एरियल पार्ट था उसी से वाटर वेपोराइज हुआ, वाष्पित हुआ, और चूंकि हमने इसमें बेलजार ढक दिया था इसलिए वो एटमॉस्फेयर में तो जा नहीं पाया, बेलजार की छत पर इकट्ठा हो गया और वो वेपर जो ड्रॉपलेट्स थी वो धीरे धीरे इकट्ठी होकर जल की बूंदों में बदल गई। तो ये प्रूफ करता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने एरियल पार्ट से वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये जो पूरा पार्ट है इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे कराए जाएंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा।